अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप इंशाल्लाह आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं करके लाई थी कुछ ग्रॉसरी, कुछ लिडल से, कुछ वेट्रो से, और जो कि शुरू में मैंने आपको मिनी चॉपर दिखाया है वो मैं लिडल से लेकर आई थी। तो उसकी आगे मैं अनबॉक्सिंग करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर ये वाटर है और ये मफिन्स हैं, ब्लूबेरी मफिन्स हैं, और ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है तो ये मैं ले आई थी। बच्चों ने ये कुछ कॉइन्स ले लिए थे, चॉकलेट कॉइन्स हैं, और आई थिंक ये कोई, हाँ जी, ये जो मनी बनी हुई है, तो बच्चों ने काफ़ी शौक़ से ये ले लिए थे। और उसके बाद ये बंस वगैरह, बाकी मिल्क है, और ये फ्रूट्स हैं, ये वेट रोज की चीज़ें थी, और बाकी योगर्ट्स हैं फैट फ्री। तो उसके अलावा जो के लिडल से कुछ चीज़ें लेकर आई थी वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे टमाटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, फॉयल लेमन, ये चॉकलेट है, और ये जो स्ट्रॉबेरी, ये जो फ्लेवर है, ये लाइक काइंड ऑफ जो सिरप कर लेके जो स्वीट्स के ऊपर डलता है वो है, स्राचा सॉस है, बाकी बिन बैग्स, एग, स्ट्रॉबेरीज़, और इस तरह की ये कुछ चीज़ें थी। तो ये लिडल से ले ली थी मैंने। और उसके अलावा अब इन चीज़ों को साइड पे करके मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी के नैपी बैग्स हैं, और उसके अलावा साथ ही साथ ये होगी वाइट ब्रेड होगी बच्चों के लिए, और ये फ़िश फिंगर्स हैं, फ़िश फिले हैं बच्चों के, योगर्ट्स, चीज़, और पीछे ये एक केक है। ये काफ़ी अच्छा लिडल का हमें लगता है, तो ये जब भी हम लिडल ग्रॉसरी के लिए जाएं तो वहाँ से अक्सर हम लोग ले आते हैं ये। तो इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स करती हूँ ये जो मैं चॉपर लेकर आई थी, और ये मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, और उसके बाद अभी मैं ये इस व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे और बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गया था, आई थिंक 19 या 20 पाउंड्स का था, और ये 14.99 का आई थिंक मिला था। और नीचे इसका ग्लास बाउल है, और इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, और ये सारी चीज़ें इसकी लिखी हुई है, तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है, ज़बरदस्त किस्म का है। तो मैं निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसको ये कि मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत लाइक हैंडी रहता है एक तो, और क्वालिटी भी इसकी ज़बरदस्त है। और ये देखें इस तरह से ऊपर ये इसका लाइक बटन वगैरह, और ये सारा इसका ऊपर जो पार्ट है ये है, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसको अब मैं आपको सारे इसके फीचर्स दिखा देती हूँ। ये ऊपर इसका जो लाइक मशीन वाला पार्ट है, नीचे ये इसका बोल है इसके लिए, ये विपिंग क्रीम के लिए लाइक ये एक अलग से इसके अंदर इसका है ब्लेड कह लें या जो भी, और ये बाकी जो चॉपिंग के लिए ब्लेड है ये उसके अंदर फिक्स हो जाता है, और ये ग्लास का नीचे है, और ऊपर ये प्लास्टिक का है ये जो कवर है। तो ये कि इसकी केयर थोड़ी करनी पड़ती है, कि लाइक प्लास्टिक की भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथ से गिर जाएँ तो टूट वगैरह जाती हैं, लेकिन ये इसका जो ग्लास है काफ़ी अच्छा है। और ये नीचे इसका ये स्टॉपर काइंड ऑफ है कि बॉल को इसके ऊपर आप रख के तो चॉप करें तो बिल्कुल स्लिप वगैरह नहीं होता, और काफ़ी अच्छा इसके ऊपर ये फिक्स हो जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। मेरे पास पहले था वो, मैंने अमेज़ोन से लिया हुआ था, लेकिन वो मेरा चलते चलते ख़राब हो गया था। तो ये उस दिन हम लोग गए तो मुझे अच्छा लगा, इसमें काफ़ी कलर्स थे, पिंक था, ब्लू था, आई थिंक 2-3 कलर्स थे, तो मुझे ये कलर अच्छा लगा था, फिर मैंने ये ले लिया था। बाकी ये रहा इसका मैनुअल वगैरह है, और ये सारी इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या इसके फंक्शन हैं और क्या क्या केयर है, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने भी लेना हो तो लिडल से लेकर जाकर ज़रूर ले लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार से फ्लफ़ी किस्म के पैनकेक्स, और अंदर मैंने इनके चॉकलेट डाली थी। तो एक दो मेरे थोड़े ये बस काम करते करते साथ डार्क हो गए थे, लेकिन ये कि फिर मैंने थोड़ी सी आँच हल्की रख के ये बनाए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने थे, और बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। तो इसका आई थिंक मैंने रेसिपी अपने चैनल पे पहले शेयर की हुई है, तो
ये मैंने ब्लेंडर में इसका मिक्सचर बनाया था और ये बहुत ज़बरदस्त सा बनता है और इसे बहुत अच्छे पैनकेक्स रेडी होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को साथ साथ बना कर दे रही थी और वो काफ़ी इसको इंजॉय कर रहे थे। और ये कि एक दफ़ा बना के दो तो वो खाते खाते उनके थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो वो इतना लाइक नहीं करती हैं। बस वो मैं लाइक अपनी दोनों बेटियों को दो दो बना के दे देती हूँ और फिर उसके बाद जो उन्हें जितने चाहिए होते हैं साथ साथ मैं उनको बना के देती जाती हूँ, तो खूब सारा वो इन्जॉय करते हैं। तो ये देखिए आप, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन गए थे। और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, ये हम लोग गए थे गाय फाइव वर्क्स देखने गए थे हम लोग। और लाइक पहले हमारा प्लान बना था तो हम लोग टिकट्स बाय नहीं कर पाए थे और बस एंड टाइम पे हम लोग फिर निकले और फौरन से हमने वहाँ पे टिकट्स बाय की। और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये फायर वर्क हो रहा था और ये जो अंदर लाइटिंग थी ये उन्होंने लगाई हुई थी, साथ म्यूज़िक चल रहा था और ये लाइट्स के अंदर ना ऐसे एकदम से कलर्ड स्काई बन जाता था, तो बहुत ही खूबसूरत था। और बच्चों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, तो मैंने भी साथ साथ कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए और ज़्यादा मैंने वहाँ पे बस एंजॉय किया था। तो बहुत ज़बरदस्त ये इवनिंग हो गई थी। तो बच्चे जो हैं उन्हें काफ़ी दिनों से यहाँ पे ये चल रहा था तो अपने रूम की विंडो से नज़र आता था, तो काफ़ी उन्हें वेट था कि हम लोग कब जाएंगे। तो हम लोग बस जो वीकेंड पे होता है हमारे घर के एरिया के करीब वहाँ पे हमने जाके फ़ौरन से टिकट्स बाय करके तो हमने देख लिया था और खूब इंजॉय किया। तो आप लोग भी आगे आगे साथ साथ देखते जाएँ वीडियो और इसको इन्जॉय करते जाए। तो यहाँ पे बस साथ साथ मेरी बेटी मुझे इसकी सारी हिस्ट्री सुना रही थी क्योंकि उनके स्कूल में ये वीक चल रहा था जिसमें ये वाला टॉपिक डिस्कस हो रहा था। तो वो सारी मुझे इस तरह इसका सुना रही थी कि मम्मा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो काफ़ी मैं इन्जॉय करती हूँ उनकी बातें माशाल्लाह से। तो उसके अलावा ये देखें ये कितना खूबसूरत किस्म का है ये भी। तो चलिए जी, आगे नेक्स्ट डे था बच्चों के स्कूल में ग्रेट फायर ऑफ लंदन डे था, तो उसके लिए उन्हें लाइक ड्रेसअप होके जाना था और ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था तो ये डिलीवरी आ गई थी। तो ये बड़ा प्यारा सा ड्रेस था और मेरी बेटी देखकर बहुत खुश हुई थी। तो उनको लाइक जब वो रेडी होकर गई थी तो बहुत क्यूट सी लग रही थी और उनकी छोटी सिस्टर जो है उन्हें कह रही थी कि यू आर लुकिंग लाइक एन ओल्ड लेडी। तो वो माशाल्लाह से इतनी खुश हो रही थी कि मैं कोई प्रिंसेस लग रही हूँ या इस तरह से। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।